किताबें और ड्राइंग बुक्स और क्रेयॉन्स हैं। रैपिड एक्शन फोर्स ने थाना कुरवई, पथरिया और पठारी का भ्रमण किया, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स ने सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, संवेदनशील स्थलों और पहुंच मार्गों का भ्रमण कर नक्शा तैयार किया। थाने में गुंडा निगरानी, बदमाश, हिस्ट्री सीटर, आदतन अपराधी और संवेदनशील व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की। फोर्स ने अस्पताल, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, जननी एक्सप्रेस, पावर हाउस, जल प्रदाय और दैनिक संसाधनों का डेटा संग्रह किया। फोर्स ने गणमान्य व वरिष्ठ नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, धर्म गुरुओं और पत्रकारों से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न जानकारियों का डेटा संग्रह किया, जिसके बाद वृक्षारोपण किया। कुरवाई पठारी से आशीष सहेले की रिपोर्ट। बेसिकली रैपिड एक्शन फोर्स, जिसको हिंदी में हम द्रुत कार्य बल भी कहते हैं, उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो भी हमारी जिम्मेदारी का इलाका दिया हुआ है, अपने शांति काल के समय में अपने जिम्मेदारी के इलाके में भ्रमण करना, ताकि अपने आसपास के इलाके की जानकारी रहे, वहाँ के हालात के बारे में जानकारी रहे कि भूतकाल में कौन कौन सी घटनाएँ हुई हैं, उन्होंने किस किस प्रकार का रूप लिया है और वर्तमान में वहाँ का परिदृश्य क्या है और भविष्य में क्या हो सकता है। शांति काल में किए गए इस भ्रमण का मेन जो लाभ होता है वो ये होता है कि इन केस 2 महीने 4 महीने या इन फ्यूचर भविष्य में कभी यहाँ पर हालात खराब होते हैं किसी भी प्रकार से, और यहाँ से डिमांड हमारे पास जाती है कि हमारी फोर्स डिप्लॉयमेंट यहाँ पर आवश्यक है, तो अपने कैंप जो कि यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर भोपाल पड़ता है, वहाँ से निकलने से पहले ही एक मोटा मोटा हमारे दिलो दिमाग में यहाँ का फीचर्स क्लियर रहे कि यहाँ पर हालात क्या हैं, किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार के रास्ते हैं, कौन कौन से गांव कहाँ कहाँ पड़ते हैं, पीएस कहाँ हैं, और यहाँ के जो मेन मेन जो लोग हैं, जो क्राइम किस प्रकार का हुआ है, किस प्रकार के वहाँ का रूप धारण किया है और अभी क्या संभावना वहाँ हो सकती है। तो कैंप से निकलने से पहले यहाँ के हालात से निपटने के लिए एक पूर्व तैयारी हम अपने दिलो दिमाग प्लस अपने साधो सामान के साथ कर सकते हैं, मेन उद्देश्य ये होता है। और यहाँ पर हम आए, यहाँ का हमने भ्रमण किया और कंसर्न जो पीएस का जो क्षेत्र दिया हुआ है यहाँ के हमने भ्रमण किया, कुछ गणमान्य लोगों से भी यहाँ बातचीत की, आसपास के इलाके का दौरा किया, तो लगभग यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और बड़ा सामंजस्य स्थापित यहाँ पर है और भूतकाल में भी कोई ऐसी बड़ी घटना सुनने में नहीं आई है, तो एक मोटा मोटा एक हमारे दिलो दिमाग में एक हो गया है कि ये लगभग इलाका हमारे शांत क्षेत्र में आता है। फिर भी अगर कोई किस तरह कोई असंतुलित स्थिति सामने आती है तो उसे निपटने के लिए हम पूर्व तैयारी कर सकते हैं, या ये कहें कि एक पूर्वानुमान हम लेकर यहाँ से जा रहे हैं कि थाना जो भी ये पड़ता है इसका इलाका कैसा है, यहाँ क्या हुआ था, भविष्य में क्या हो सकता है, ये हमारा मेन उद्देश्य था और हम अपने उद्देश्य को पाने पूरी तरह सफल रहे। हमारे जो कर्मचारी सब ने यहाँ के डाटा भी नोट किए हैं और प्लस आसपास के लोगों से हमने बातचीत की, प्लस और भी सूचनाएं एकत्रित की, तो एक काफ़ी लाभकारी हमारा दौरा रहा। जिले में 14 से 20 तारीख तक के रैपिड एक्शन फोर्स का ये दल जिले के भ्रमण पर है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति और जो क्षेत्र में कभी कोई बड़ी घटना हुई हो या जो भी ऐसी भविष्य की जो चुनौतियाँ हैं उसके लिए पूर्व तैयारी इनके दल द्वारा की गई है, और एक तरह से जिला बल और RAF के कोई ये मेल मिलाप भी एक अच्छा है कि कभी कोई बात रहेगी तो हम संपर्क में रहेंगे सर के, और सर के द्वारा भी सारा डाटा नोट कर लिया गया है, कभी भविष्य में ऐसी कोई क्षेत्र में घटना दुर्घटना होती थी तो सर के पास और जो इनकी कंपनी है इनके हेडक्वार्टर पर भी सारी जानकारी रहेगी, तो तुरंत इनको एक्शन लेने में कोई भी आने जाने में जो भी सब जानकारी रहेगी तो उनको सुविधा रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भविष्य में सरलता से जो भी समस्या है उसका